हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर वन और चैप्टर टू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। तो आज हम चैप्टर थ्री की बात करेंगे, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आ सकते हैं? एक तो है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, और पढ़ने से ही, सिर्फ समझने से ही आपको ये याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं इन्हें गर्भ निरोधक विधियाँ, गर्भ निरोधक विधियाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओके, तो इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से आते हैं? एक वंध्याकरण आता है, स्टेरिलाइजेशन, ये भी पढ़ना है, हार्मोनल, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आते हैं, और आता है आईयूडी। आईयूडी को बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, ऐसी डिवाइस आती हैं जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं। दूसरा है बैरियर मेथड, कुछ बैरियर हैं जिनको यूज़ करते हैं, बैरियर मेथड, ये पढ़ लेना, और कुछ केमिकल मेथड भी हैं। ओके, कुछ केमिकल मेथड भी हैं। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन हो सकता है इसमें, वो है MTP, आपने शॉर्ट में नाम सुना होगा MTP, इम्पॉर्टेंट है ये भी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इसमें वो मेथड आएंगे जिसमें प्रेगनेंसी होने के बाद जो मतलब प्रेगनेंसी को हमें टर्मिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है, वो मेथड आएंगे इसमें। और फोर्थ है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है तब कौन से मेथड यूज करते हैं, तो वो आता है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये पढ़नी है आपको, इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर ART के अंदर ही कौन कौन सी टेक्निक आती हैं वो सारी पढ़नी है आपको, IUI, हाँ, और ET, ET का दूसरा नाम भी है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एक है गिफ्ट, GIFT को बोलते हैं, गैमेटिक इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, और दूसरा है जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। तो ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर से, इस चैप्टर से इतना पढ़ लोगे ये यूज़ हो जाएगा। और ये ART जो मेथड होता है ये टेस्ट ट्यूब बेबी में यूज़ होता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का भी इसमें पता चल जाएगा, ये इतना पढ़ लेना बस, इस चैप्टर में से इतना ही आता है चैप्टर फोर्थ। चैप्टर फोर्थ जो है आपका, जिसमें मेंडल्स के बारे में दे रखा है, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी के बारे में दे रखा है, तो इसमें आप पढ़ोगे मेंडल्स लॉ। ओके, मेंडल्स के लॉ पढ़ना है आपको, पहला नियम कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसके दोनों एक्सेप्शन पढ़ने हैं आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है कोडोमिनेंस, ये दोनों पढ़ना, इन अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, और ये प्रभाविता के नियम के अपवाद हैं, दोनों एक्सेप्शन है। सेकंड नियम कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका दूसरा नाम भी है लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ठीक है, तो ये भी देखना है आपको। और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसके इसका भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो पढ़ना है आपको लिंकेज, और लिंकेज डिटेल में पढ़ना है। लिंकेज डिटेल में पढ़ने का मीन्स है कि लिंकेज की खोज किसने की, TH मॉर्गन ने, किस पर की, ड्रॉसोफिला फिलाई पर, तो
इसको आप अच्छे से कवर कर लें, लिंकेज को। लिंकेज का भी एक जानी दुश्मन है, मतलब अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का ही दूसरा नाम है रिकॉम्बिनेशन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं, ये मेंडल के नियम के अंदर ही आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेंगे आप लोग। फिर इसके अलावा आप पढ़ेंगे एलील, मल्टीपल एलील, ये मल्टीपल एलील का जो एग्जांपल आपका दे रखा होगा ब्लड ग्रुप्स में, इसको आपको कवर करना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका इस चैप्टर में, सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन आपको तीन चीज़ों में कंप्लीट, नहीं सॉरी, चार में करना है। एक तो करना है इंसेक्ट में, दूसरा ह्यूमन, तीसरा वर्ड्स और चौथा हनीबी। इनमें आप सेक्स डिटरमिनेशन देख लें अच्छे से। इसमें होता है X0 टाइप का, इसमें होता है XXXY टाइप का, इसमें होता है ZZZW टाइप का, और इसमें हैप्लोडाइप्लॉयडी वाला होता है। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं, हैप्लोडाइप्लॉयडी। ओके, हैप्लोडाइप्लॉयडी सेक्स डिटरमिनेशन किस में पाया जाता है, हनी बी में। तो इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। प्लस इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा और हर साल आते हैं, इसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपको डिजीज पढ़नी है, एक्स लिंक्ड डिजीज इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन सी आती हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। ओके, और इसके अलावा डिजीज पढ़ना है आपको सिकल सेल एनीमिया, और पढ़ना है आपको थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोनोरिया, और इसके अलावा और जो बच्चे हैं जो क्रोमोसोम एक या कम, एक ज़्यादा या एक कम हो जाता है, सिंड्रोम, आपको सिंड्रोम कंप्लीट करने हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ओके, तो आपको इस चैप्टर से, फोर्थ चैप्टर से इतने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपका जेनेटिक मटेरियल पूरा दे रखा है, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है डीएनए। आपको डीएनए का सब पढ़ना है, मतलब डीएनए की खोज किसने की, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर किसने दिया। सबसे ज़्यादा डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर पूछा जाता है वॉटसन एंड क्रिक द्वारा, जो दिया गया है। और इसके टाइप्स ZDNA, BDNA जितने भी हैं वो सारे छोटी छोटी हेडिंग्स पढ़ लेना, वरना मोस्टली आप डीएनए और डीएनए की स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़नी है बढ़िया करके। डीएनए में सबसे पहले आप शुगर पढ़ो, एन टू बेस पढ़ो, फॉस्फोरिक एसिड पढ़ो। ओके, तीनों जब अच्छे से पढ़ लोगे पूरा डीएनए बनाना सीख लोगे। शुगर बेस एन टू मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, तो ये न्यूक्लियोसाइड के बारे में आपको अच्छे से कवर करना है कि आरएनए में न्यूक्लियोसाइड कौन से होते हैं और डीएनए में न्यूक्लियोसाइड कौन से होते हैं। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब PO4 ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तब उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड आरएनए में कैसे होते हैं, कितने होते हैं, और न्यूक्लियोसाइड डीएनए में कितने होते हैं, ये सारे आपको अच्छे से कवर करने हैं। आरएनए कंप्लीट पढ़ना है, आरएनए के टाइप्स पढ़ने हैं। आरएनए टू टाइप्स का होता है, एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए और दूसरा है जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए TMB में पाया जाता है, तो ये छोटा सा इसका लिख दिया जाएगा। और जो नॉन जेनेटिक है, जो जेनेटिक का वर्क नहीं करते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं, mRNA, मोस्टली पूछा जाता है RRNA एंड tRNA। tRNA की स्ट्रक्चर देख लेना। ओके, और थर्ड है आपका क्वेश्चन चारगैफ का नियम, पढ़ लेना।
डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसका इसके आपको दो एग्जांपल दे रखे होंगे, एक तो वो चूहे वाला रेट्स पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ग्रिफ्थ द्वारा, और एक जो बैक्टीरियोफेज पर किया गया है। तो आपको बैक्टीरियोफेज वाला पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें आपको पढ़ना है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। बस देखो डीएनए देखो डीएनए से जब आरएनए बनता है तब ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तब ये प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाती है, ओके। और डीएनए से जब डीएनए खुद बनता है तो इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये पूरा डायग्राम एक टॉपिक में आता है जो इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है सेंट्रल डोगमा, ठीक है। सेंट्रल डोगमा में यही पूरी हाइपोथेसिस बताई गई है, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो आपके ये सारे क्वेश्चंस, ये फिफ्थ चैप्टर के क्वेश्चंस हैं इतने, डीएनए आरएनए चार गैप नियम, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा डीपली में नहीं, और इसका ये सेंट्रल डोगमा का पूरा ये स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड सारे अच्छे से पढ़ने हैं, कवर करने हैं, ओके। थैंक यू।